क्या है, अगर कोई परमाणु ऐसा है जो दो इलेक्ट्रॉन देगा, तो अगर वो दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा वाला क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला होगा। दूसरा क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो ग्रहण करने के लिए क्या होना चाहिए, उसके पास ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। तो यहीं से बात चालू होती है, ठीक है। चलिए, तो ये सिद्धांत जो है, इसमें इस सिद्धांत का प्रतिपादन अगर देखा जाए, ठीक है, तो लिखेंगे इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है, सन 1930 में लीनियस पॉलिंग ने किया था। किसने किया था, लीनियस पॉलिंग ने किया था। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। देखिए, एक बार हम सिद्धांत को देखेंगे, उसके बाद जब हम लोग क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे ना, तो ये 100% आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना, ये भी सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो जो पॉइंट है वो सब भी याद हो जाएंगे एग्जाम्पल के थ्रू। बस रहते एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं क्या क्या मुख्य बिंदुएँ हैं। तो कह रहा है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1930 में लीनियस पॉलिंग ने किया था। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। पहले है केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु अपनी समन्वय संख्या के बराबर, केंद्रीय धातु परमाणु अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त ऑर्बिटल उपलब्ध कराता है। क्या करता है भाई, रिक्त ऑर्बिटल उपलब्ध कराता है। समन्वय संख्या किसे कहते हैं, यानी जो लिगेंड है वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कितना उप संयोजक बंध बनाएंगे। तो अगर उप दो उप संयोजक बंध बना रहा है तो इसका मतलब दो ऑर्बिटल खाली करेगा, तीन उप संयोजक बंध बनाएगा तो तीन ऑर्बिटल खाली करेगा, चार उप संयोजक बंध बनाएगा तो चार ऑर्बिटल खाली करेगा। बात आया समय, तो जितना उप संयोजक, जितना उसकी उप संयोजक बंध बनाएंगे उतना ऑर्बिटल उसको खाली करना पड़ेगा। बात आया समय, तो केंद्रीय धातु परमाणु अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त ऑर्बिटल उपलब्ध कराता है जो लिगेंडों के साथ उप संयोजक बंध बनाता है। जो लिगेंडों के साथ क्या करता है भाई, उप संयोजक बंध बनाता है। चलो ठीक, कह रहा है केंद्रीय धातु परमाणु अपनी समन्वय की संख्या के बराबर रिक्त ऑर्बिटल उपलब्ध कराएगा। अब बात आती है कि भाई वो ऑर्बिटल होंगे कौन से। तो अगला पॉइंट कह रहा है केंद्रीय धातु परमाणु जो है N-1D, NS, NP या कह सकते हैं NS, NP तथा ND ऑर्बिटल, ठीक है, बंध बनाने में प्रयोग कर सकता है। बताया इसमें, यह जो है N-1D, NS, NP है ना, या तथा करके ND भी ले सकते हो, का प्रयोग ये कर सकता है, यानी इतने ऑर्बिटलों का ये प्रयोग कर सकता है, ठीक। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई N1- ये कैसे हम समझेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भाई हमारे पास N-1D है, क्या भाई N-1D है, NS है और क्या है NP है। तो अगर मैं इसी को लिखूं कि हमारे पास क्या है 4P है, 4S है, तो यहाँ पर N बराबर क्या लिख लूँ मैं, 4 लिख लूँ, तो 4S 4S और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 4P। अब यहाँ पर 4 में से एक घटा दो तो क्या हो जाएगा 3D, यानी हो सकता है वो 3D ऑर्बिटल बंध बनाने में भाग ले रहा हो सकता है वो 4S और हो सकता है 4P। अभी जब हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। या तो कह सकते हैं कि यह 4D ऑर्बिटल क्या करेगा, बंध बनाने में भाग ले सकता है, ठीक है। चलो ये हमने टॉपिक को देख लिया, ठीक है। तो हमने ये देखा कि केंद्रीय धातु परमाणु N-1D, NS, NP तथा ND ऑर्बिटल क्या करता है, बंध बनाने में भाग ले सकता है। चलिए ठीक, अगला कह रहा है परबल, यानी जो परबल लिगेंड होते हैं, क्या होते हैं भाई परबल जो लिगेंड होते हैं, है ना, वो इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, परबल जो लिगेंड है, जैसे अब परबल लिगेंड है जैसे हमारे पास है CN- है, CO है इत्यादि, संयोजी इलेक्ट्रॉनों को हुंड के नियम के विपरीत क्या करते हैं, युग्मन करता है। सिंपल सी बात है, कह रहा है CN- है, CO है, ये परबल लिगेंड है, क्या है परबल लिगेंड है, जो हुंड के नियम के विपरीत क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करते हैं। ये दो ही लिगेंड आप याद रखेंगे, कितना, बस खाली अभी दो लिगेंड याद रखिएगा, बात ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आ रहा है कि भाई ये नया कौन सा बवाल आ गया। तो देखो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारे पास डी ऑर्बिटल है, क्या है हमारे पास डी ऑर्बिटल है। अब कह रहा है मान लो हमारे पास डी ऑर्बिटल है और डी में हमारे पास कुल 5-6 इलेक्ट्रॉन है, क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है। चलो ठीक, अब 6 इलेक्ट्रॉन है और इसका हमें क्या करना है, कह रहा है इलेक्ट्रॉनों का युग्मन जो है वो हुंड के नियम के विपरीत करता है। हुंड का क्या कहता है, कह रहा भैया पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर दोगे, 2, 3,
चार पाँच हो गया, फिर यहाँ आएगा छठवां, तो ये तो हो गया हुंड का नियम। तो हुंड का नियम कहता भाई एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भर लो, फिर हम उसका युग्मन करेंगे। लेकिन अब ये कह रहा है कि भाई CN माइनस CO है, प्रबल है, है ना, स्ट्रांग है। आया कह रहा ना भाई तुम्हारा हुंड उंड नहीं चलने वाला है, यह हुंड अपना साइड में रखो, हम अपने नियम से चलेंगे। कह रहा क्या, तो कह रहा ऐसा करते हो ना कि यहाँ पर जो हमारे पास आर्बिटल हैं उसमें हम पहले दो दो इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तुम एक एक भर रहे थे ना, हम क्या भरेंगे भाई दो दो इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो यानी ये हुंड के नियम के विरुद्ध जाता है। यानी अगर वो प्रबल लिगेंड है तो क्या करेगा, तो प्रबल लिगेंड में दो ही याद रखिएगा, कौन सा, सी एन माइनस है और सी ओ है, ये प्रबल लिगेंड होते हैं जो हुंड के नियम के क्या होते हैं, ये विपरीत इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करते हैं यानी जोड़ा बनाते हैं। आगे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। ठीक, चलिए बस अभी हम लोग एक बार इसके नियम को हम समझ लेते हैं। लिखने के लिए क्या क्या लिखेंगे ये आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और नोट्स बेहतरीन तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए चौथा पॉइंट कह रहा, यदि केंद्रीय धातु परमाणु का एन माइनस वन डी एन एस एन पी आर्बिटल जटिल यौगिकों के निर्माण में यानी उपसंयोजक के निर्माण में भाग लेता है तो ऐसे जटिल यौगिकों को हम अंतः संकुल यौगिक कहते हैं। बस में आ रहा, कह रहा कि भाई अगर एन माइनस वन डी एन एस तथा एन पी आर्बिटल बंद बनाने में भाग ले रहे हैं तो इसे हम कहेंगे अंतः संकुल यौगिक। अब कहोगे सर थोड़ा सा एग्जाम्पल मिल जाता तो मजा आ जाता, तो देखो, तो अगर हम कहें कि हमारे पास क्या है 3D है, 4S है और क्या है 4P है, यही है ना। देखो n बराबर हमने 4 मान लिया तो NP हो गया, n बराबर 4 मान लिया तो NS हो गया, n माइनस 1 हो जाएगा तो D हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 3D है तो 3D जो होता है ना वो अंदर कोश का होगा, जैसे ये हो गया नाभिक, पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, चौथा कोश, तो पहला कोष हो गया, दूसरा कोष हो गया, तीसरा, तो 3D तो इसमें आएगा ना, फिर इसमें 4S और 4P आएगा। तो ये कहेंगे कि 3D जो ले रहे हैं यानी डी आर्बिटल जो ले रहे हैं वो अंदर वाला ले रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि इसे हम अंतः यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी अंतः संकुल यौगिक कहते हैं। चलो ठीक है, बताया इसमें कह रहा है यदि केंद्रीय धातु परमाणु एन माइनस वन डी एन एस एन पी आर्बिटल बंद बनाने में भाग लेता है तो ऐसे यौगिकों को हम अंतः संकुल यौगिक कहते हैं। प्रायः यह देखा जाता है ना, इसमें अगला पॉइंट कह रहा है इस प्रकार के संकुल में यानी जब यह संकुल बनता है तो यह इसमें इलेक्ट्रॉन का युग्मन हुंड के नियम के विपरीत होता है यानी युग्मन करने लगता है जिससे इसका चक्रण ज़्यादा हो जाता है, स्पिन इस चक्रण जो होता है वो निम्न हो जाता है, इसलिए इसे हम कहते हैं न्यून चक्रण यौगिक कहते हैं। क्या कहेंगे हम इसे, न्यून चक्रण यौगिक कहते हैं। क्लियर हुआ, चलिए अगला कह रहा यदि केंद्रीय धातु परमाणु का अब कह रहा है NS आर्बिटल NP आर्बिटल तथा ND आर्बिटल जटिल यौगिकों के निर्माण में भाग लेते हैं तो ऐसे यौगिकों को हम बाह्य संकुल यौगिक कहते हैं। यानी अगर यह NS हो गया, NP हो गया, यह तथा ND आर्बिटल बंद बनाने में भाग ले रहा है तो इस आर्बिटल को हम क्या बोलेंगे, तो इस आर्बिटल को हम कहेंगे बाह्य संकुल यौगिक। ठीक है, अच्छा इसमें कह रहा इलेक्ट्रॉनों का वितरण हुंड के नियम के अनुसार होता है और चूंकि इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है तो अगर हुंड के नियम का पालन करेगा तो उसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी जिससे इसका चक्रण जो होगा वो अधिक आएगा यानी उच्च चक्रण संकुल कहलाएगा। बताया समय क्या कहलाएगा भाई, उच्च चक्रण संकुल कहलाएगा, ये हमने देख लिया। चलिए अगला कह रहा है, लास्ट पॉइंट इसमें है, कह रहा है यदि संकुल में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, संकुल में क्या भाई आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो उसकी प्रकृति अनचुंबकीय होती है। यानी यदि किसी संकुल में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो उसे हम अनचुंबकीय यौगिक कहेंगे या उसकी प्रकृति अनचुंबकीय होगी। यदि कह रहा आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है यानी कह रहा आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भाई 0 है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय होगी। कैसे होगी, प्रतिचुंबकीय होगी। बात है इसमें, तो यही नियम था और ये हमने देख लिया। ठीक है, अच्छा
अब देखा जाए इसमें, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो है संकरण बहुत जरूरी है और इसी से हमें सब समझ में आएगा। तो देखिए कह रहा केंद्रीय धातु परमाणु और आयनों की उपसंयोजन संख्या, मतलब अगर लिगेंड कितना बंद बना रहा है, कह रहा मान लो दो बंद बना रहा या दो उसमें लिगेंड है, तो उस केस में एक यस और एक पी दो ऑर्बिटल भाग लेंगे और इसकी संरचना जो होगी, ज्यामितीय व्यवस्था जो होगी वो रेखीय होगी। ठीक, अगर कह रहा मान लो तीन लिगेंड हैं तो इसमें एस पी टू होगा और त्रिकोणीय समतलीय इसकी संरचना होगी। अगर मान लो इसकी संख्या चार है, उपसंयोजन संख्या चार है, तो इसका संकरण या तो डी एस पी टू हो सकता है या एस पी टू डी हो सकता है और इसकी जो संरचना होगी वह वर्ग समतलीय होगी। अच्छा, चौथा अगर कह रहा है कि मान लीजिए अगर चार आ रहा है तो एक कंडीशन और हो सकती है कि हो सकता है कि एस पी थ्री आ जाए, यानी एक एस और तीन पी चार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो ये चतुष्फलकीय होता है। और अगर मान लो पाँच बंद बनाएगा तो एस पी थ्री डी एस पी थ्री आता है, तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होता है। और अगर मान लीजिए पाँच आ रहा है और इसमें एस पी थ्री डी संकरण आ जा रहा है तो इसे कहेंगे कि ये वर्गाकार क्या हो जाएगा, पिरामिडीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्गाकार क्या हो जाएगा, आपका पिरामिडीय हो जाएगा। ठीक है, अगर अगला देखेंगे तो अगर कह रहा है कि अगर मान लीजिए इसकी संख्या छः हो तो ये क्या हो जाएगा, आपका एस पी थ्री डी टू हो जाएगा और इसकी व्यवस्था कैसी होगी, अष्टफलकीय होगी। और अगर एस पी, ये ध्यान में रखेंगे एस पी थ्री डी टू है, ठीक है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो यही वाला है, ध्यान में रखेंगे यही वाला इम्पॉर्टेंट है, ये छठवां है ना। तो अगर इसका संकरण या तो डी टू एस पी थ्री आएगा, अगर डी टू एस पी थ्री आ रहा है तब भी अष्टफलकीय होगा, और अगर एस पी थ्री डी टू आया तब भी अष्टफलकीय होगा। लेकिन अंतर ये होगा कि अगर डी टू एस पी थ्री आया मतलब थ्री डी ऑर्बिटल भाग लिया होगा सामान्यतः, उसे कहेंगे हम अंतः कक्षा। और अगर मान लीजिए डी ऑर्बिटल भाग ले रहा है बाहर वाला यानी फोर डी, तो सामान्यतः बाह्य कक्षक होगा। बताया समय। और अगर कह रहा हो सकता है कि भाई समन्वय संख्या चार हो, तो ज़्यादातर आपका छः और चार ही वाला पूछता है, ठीक है, एग्जाम में। अगर आप ट्वेल्थ में हैं तो एग्जाम में ज़्यादातर या एनसीईआरटी में जो दिए गए हैं वो आपका चार और छः वाला दिया है। तो चार में दो कंडीशन होते हैं, या तो वो एस पी थ्री होगा और उसकी संरचना चतुष्फलकीय होगी, या तो वो उसका संकरण आपका जो होगा वो आपका होगा डी एस पी टू होगा, है ना, या एस पी टू डी होगा और इसकी संरचना या ज्यामितीय व्यवस्था वर्ग समतलीय होगी। क्या होगा, वर्ग समतलीय होगी। तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, बस हम दो ही चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। कितना चीज़ें, बस दो ही चीज़ें, ठीक है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और आप एग्जाम्पल से 100% समझ जाएंगे, है ना। चलिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है भाई, कि हमारे पास क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल में, पहला देखते हैं कि अगर समन्वय संख्या, ठीक है, समन्वय संख्या कितनी है, छः है, समन्वय संख्या कितनी है भाई, अगर छः है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, संकुल अष्टफलकीय होगा। कैसा होगा, अष्टफलकीय होगा। कैसा होगा भाई, अष्टफलकीय होगा, ये बात ध्यान में रखें। ऑक्टाहेड्रल क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक। अच्छा, अब कह रहा है कि मान लीजिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में नंबर वन पहले देखते हैं। जैसे ये कह रहा है कि हमारे पास सी आर है और एन एच थ्री है का होल सिक्स है और यहाँ पर है आपके पास थ्री प्लस, यानी सी आर है, एन एच थ्री का होल सिक्स है और थ्री प्लस है, क्लियर है, ये संकुल है हमारे पास है, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, संयुक्ता बंध सिद्धांत के आधार पर हमें सभी चीज़ें बताना है। तो पहला काम क्या करोगे, पहला इसमें हम केंद्रीय धातु परमाणु को चुनेंगे। तो केंद्रीय धातु परमाणु कौन होता है, तो जैसे ये बॉक्स बना हुआ ना, बॉक्स के पहले वाला जो होगा वही केंद्रीय धातु परमाणु होगा। तो यानी सी आर जो है यहाँ पर वही क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। और इसका परमाणु क्रमांक है आपका 24, है ना। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पर आर्गन होगा, आर्गन का क्या लिखते हो, 18। अब देखिए मैंने कहा था कि ये आपका 4s है, तो 4 ये अपवाद वाला है, तो 4s1 होता है
और 3d क्या हो जाता है आपका 5, ये होता है। तो अगर ये इसका होगा, लेकिन अब ये ध्यान में रखना होगा कि हमें बनाना किसका है, तो कह रहा है इसका आशिकर संख्या निकालो। तो क्रोमियम अगर देखा जाए तो मान लीजिए इस संकुल में क्रोमियम की आशिकर संख्या अगर निकालनी है तो मान लिया जाए क्रोमियम की आशिकर संख्या x होगी, तो x हो गया और प्लस लिखोगे। और यहाँ देखिए यहाँ पर NH3 है, अमोनिया है, तो अमोनिया का अगर देखेंगे तो इसका आक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है आपका 0 होता है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, गुणे 6 होगा, बराबर आप लिखोगे तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या आपका आक्सीकरण संख्या देखो यहाँ +3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे +3 बराबर के, तो x बराबर क्या लिखोगे भाई +3, तो इसका आक्सीकरण संख्या कितना है ऑक्सीडेशन नंबर Cr का 3+ कितना है 3+, तो इसलिए आप क्या करोगे भाई Cr लिखोगे और यहाँ लिखोगे भाई 3+, ठीक है। अच्छा अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो देखो यहाँ आर्गन लिखोगे, अब 18, अब 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कितना इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। देखो अगर शॉर्टकट आपको बताना है तो ध्यान में रखिए, देखिए इसका परमाणु क्रमांक होता है भाई 24, कितना होता है 24, इसको जोड़ लो 2+4 बराबर क्या 6, तो बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 3 निकल गया, 3 प्लस हुआ मतलब 3 निकल गया, बचा कितना 3, तो उसको d पे लिख दो, काम खत्म, 3d क्या हो जाएगा 0, 3d हो जाएगा और वही 3 इलेक्ट्रॉन बचा था तो यहाँ लिख दो। या ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन 3+, यानी हमारे पास क्या है आक्सीकरण संख्या 3+ है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहाँ से, तो कहेंगे पहले यस से निकलेगा, तो एक यस से निकाल लो और 2d से निकाल लो, तो कितना हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और d में कितना बचेगा 3, बात है इसमें। या हम कहेंगे यहाँ पर है आपका 24 है, 24 इलेक्ट्रॉन है, 3 निकल गया तो बचा कितना 21, और इसी को जोड़ो 2 और 1 3 और d में लिख लो, सिंपल सा है भाई, आया बस में। अब देखो यहाँ पर है 4s, अब देखो 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 4s 0 लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे 4p, क्या लिखेंगे 4p0, ठीक है। अगर आपको संयुक्ता बंध सिद्धांत नहीं आ रहा है तो यहाँ का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार आप समझेंगे तो आपको पूरा टॉपिक 100% समझ में आ जाएगा, बस कोशिश करिए, ठीक। देखिए अब यहाँ हमने बना लिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यहाँ ध्यान में रखेंगे कोई भी अगर आपके पास संकुल है तो उसका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इसका पहले बना लेंगे, ठीक। चलो ये हो गया, अब क्या करना होगा, अब इसके आर्बिटल बना लो, तो यहाँ पर अगर देखेंगे Cr3+ जो है ये जब मुक्त अवस्था में था, क्या था आपका फ्री स्टेट में था, यानी मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में, ठीक, बराबर लिखोगे, आर्गन लिखोगे, क्या है आर्गन 18 लिखोगे, अच्छा सॉरी हमें आर्बिटल बनाना था, तो यहाँ आर्बिटल बनाएंगे, देखो 3d वाला पहले बनाइए, ये हो गया आपका 3d, अब आई इसमें d में कितने आर्बिटल होते हैं भाई 5, तो 5 इसे बना लेंगे, तो ये हो गया आपका 3d, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, तो ऐसे भरिए 1 यहाँ पर 2 और यहाँ हो गया 3, अब देखिए 4s अगर देखोगे तो 4s हो गया ये एक आर्बिटल होता है, 4p में अगर देखोगे तो कितने आर्बिटल होते हैं भाई, तो कहेंगे p में तो 3 होते हैं, तो यहाँ हो गया आपका 4p, बस में आए, तो 3d का बनाएंगे, 4s का बनाएंगे, 4p का बनाएंगे, चलो ठीक बना लिए। अब यहाँ देखेंगे कि भाई हमारे पास जो लिगेंड है वो कौन सा है, तो यहाँ कह रहा है कि हमारे पास NH3, यानी यहाँ लिखेंगे चूंकि NH3 क्या है आपका एक दुर्बल लिगेंड है, तो चूंकि NH3 एक क्या है दुर्बल लिगेंड है, यानी वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है, अतः यह इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करता है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करता है, तो करें तब, तो करें जैसे है वैसे लिख लो, तो यहाँ पर लिखेंगे Cr, अब वही संकुल वाला लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे NH3 का हो गया आपका होल 6 और यहाँ पर 3+ में, बताया इसमें,
अच्छा, अब आपको क्या करना होगा, ए ऑर्बिटल बना लीजिए। ये हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या कह रहा है भाई, अब इसका हमें ऑर्बिटल बनाना है। क्या बनाना भाई, इसका ऑर्बिटल है तो इसी को आप बना लीजिए। इसे यहां पर तो क्या करना है, एक दो तीन चार। अब कह रहा है इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, तो जैसा है वैसे लिख लो। तो कह रहा है हमारे पास एक है, यहां पर दो है, और यहां पर हमने तीन लिख लिया, और यहाँ पर हमने 4s लिख लिया। ये था आपका 3d, ये था आपका 4s। अब क्या लिखेंगे भाई, 4p। क्या लिखोगे आप, 4p लिखोगे। ए हो गया आपका 4p, ए तो हो गया। अब क्या है, हमने पहला पॉइंट ये पढ़ा कि जितने समन्वय संख्या होती है उतना वह रिक्त ऑर्बिटल उपलब्ध कराएगा। कौन, केंद्रीय धात्वमान। तो यहाँ देखिए हमारे पास NH3 कितना है, 6 है, तो 6 उसके रिक्त ऑर्बिटल चाहिए। तो देखो यहाँ पर जो मिल रहा है हमें, वो देखिए यहाँ पर हमें देखिए डी में कितना मिल रहा है भाई, 2। डी में कितना मिला है, 2। एक एस का मिल गया 3, और 3 पी के मिल गए। तो कितने ऑर्बिटल मिल गए भाई, 6 ऑर्बिटल हमें चाहिए था, और ये 6 मिल गए। बात आ रहा समय, तो हमें क्या मिला, 2 डी का मिला। तो ऐसे लिखेंगे D2, इसका कितना मिल गया हमें, 2। एस का 1 मिल गया, एस हो गया। पी का कितना मिला, देखिए 4p का मिला हमें 3, तो यहाँ पर लिखेंगे sp3। तो d2 क्या हो जाएगा, sp3। यानी जो संकरण हुआ वो हुआ आपका d2sp3। क्या हो गया भाई, d2sp3 हो गया, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर संकरण क्या हो गया भाई, d2sp3 हो गया। चलो ठीक है, अब क्या करना होगा, अब कह रहा है ये जो NH3 है वही इलेक्ट, अब कह रहा है ऑर्बिटल तो हमें मिल गया कि हमें d2sp3 मिल गया। तब कह रहा है कि अब ये जो लिगेंड है ना वो तो आएगा और क्या करेगा, इनके साथ उपसंयोजक बंध बनाएगा। तो कह रहा है तब, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, ये किसके द्वारा दिया जाएगा, तो हम कहेंगे एक NH3 के द्वारा दिया जाएगा। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा दिया जाएगा, तो फिर 2, यानी एक NH3, और एक NH3 फिर आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ दे देगा और उपसंयोजक बंध बना लेगा, है ना। और यहाँ पर दे देगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैं 4s को यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पर होगा, हेलो जी आप कैसे हैं बराली जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा, और एक NH3 और आएगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, हो गया। और एक NH3 यहाँ आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। देखो हमारे पास कितने NH3 थे भाई, 6, और 6 NH3 थे, और 6 को क्या किए, 2-2 इलेक्ट्रॉन दे करके उपसंयोजक बंध यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए। बताया इसमें, तो ये हो गया हमारे बारे में, यानी ये देख लिया। अच्छा अब लिखेंगे क्या क्या हम, तो पहली बात तो हम लिखेंगे यहाँ पर इसके बारे में, तो लिखेंगे भाई संकरण क्या है, क्या है संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन तो हमने देख लिया, D2 होगा और sp3 होगा, ठीक है। अच्छा अब इसका ज्यामितीय व्यवस्था देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, ज्यामितीय जो व्यवस्था है, ज्यामितीय जो व्यवस्था है उसको देखेंगे। अब मैंने क्या लिखवाया था, अभी मैंने बताया था कि अगर वो अष्टफलकीय है, कैसा है वो अष्टफलकीय है, तो उसकी जो ज्यामितीय व्यवस्था, सॉरी अगर d2sp3 संकरण आता है तो उसकी ज्यामितीय व्यवस्था कैसी होती है, अष्टफलकीय, यानी संरचना कैसी हो जाएगी भाई, अष्टफलकीय हो जाएगी। और यही जो था वर्नर बाबा नहीं बता पाए थे कि इसकी संरचना कैसी होगी, ज्यामितीय व्यवस्था कैसी होगी, तो वर्नर सिद्धांत का एक कमियां थी। अच्छा ये संकुल का अगर प्रकार पूछ लिया कि ये संकुल बताओ अंतः संकुल होगा यानी इनर कॉम्प्लेक्स होगा या आउटर कॉम्प्लेक्स होगा बाह्य संकुल, तो मैंने क्या कहा था कि अगर d2 आ गया आगे तो 3d देखो ऑर्बिटल बंद बनाया यानी अंदर वाला, तो जब 3d ऑर्बिटल बंद बनाएगा अंदर वाला और देखो 4s बाहर वाले हैं,
तो जो भी डी ऑर्बिटल अगर 3D बंद बनाया तो उसे कहते हैं हम ये अंतःकक्षक संकुल। क्या कहेंगे भाई? अंतःकक्षक संकुल, यानी ये अंतःकक्षक क्या बनाएगा भाई? संकुल बनाएगा। बात आया इसमें? ठीक, यानी इसकी जो व्यवस्था है वो क्या होगी भाई? अंतःकक्षक संकुल होगी। ज्यामितीय व्यवस्था अस्फलकीय, संकुल का प्रकार अगर देखेंगे तो ये हो गया आपका अंतःकक्षक संकुल। अच्छा, अब एक चीज और पूछेगा क्या कि इसका जो चुंबकीय गुण है वो कैसा होगा, चुंबकीय गुण कैसा होगा, है ना? तो देखिए इसमें, देखिए आयुमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो आयुमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें भाई 3 है, तो ये क्या होगा? आयुमित इलेक्ट्रॉन होगा तो अनचुंबकीय। तो अगर हम इसके चुंबकीय गुण की बात करेंगे, तो चुंबकीय गुण जो होगा ना वो हो जाएगा भाई अनुचुंबकीय। क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय यानी ये पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक। अब अनुचुंबकीय किसे कहते हैं? जिसमें कम से कम एक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो उसे बोलते हैं हम अनुचुंबकीय। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसके बारे में और क्या लिखा जा सकता है? तो इतना ही बस लिखेंगे। और अगर मान लीजिए आपको निकालना है, ठीक है, क्या, तो अगर आपको चुंबकीय आघूर्ण का मान यानी म्यू निकालना है तो म्यू बराबर लिखेंगे, तो आपको फार्मूला आपको पता है, मैंने बताया था डी ब्लॉक वाले में कि एन और एन प्लस टू लगा लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगा बोहर मैग्नेट्रॉन चुंबकीय गुण, है ना? तो एन बराबर क्या होता है? तो यहाँ पर कहेंगे आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भाई? 3 है, तो एन बराबर हो गया 3। यहाँ से तो एन बराबर 3 इसमें रख दीजिए, तो बराबर अगर लिखोगे आप तो हो गया 3 और हो गया 3 प्लस 2, तो 3 दुनी 6 और 6 त्रिक 18, है ना? एन प्लस 2 तो सॉरी 3 दो पांतियाँ 15 हो जाएगा, 18 कह रहे हैं, पांतियाँ 15 बोहर मैग्नेट्रॉन हो जाएगा। बात है इसमें? कितना हो जाएगा? 15 बोहर मैग्नेट्रॉन इसका आ जाएगा। अब रूट रूट अपना निकाल लेंगे, ठीक है, ये हो गया। तो एक हमने एग्जांपल देख लिया जिसमें ये देखा कि अस्फलकीय बनाएगा और ये अंतःकक्षक संकुल होगा, अनचुंबकीय होगा और उसके चुंबकीय आघूर्ण का मान जो है वो अंडर रूट 15 होगा। अच्छा, अब आप सोचोगे क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि मान लीजिए कोई यौगिक 2 दे देगा, बोलेगा ये बताइए कि ये अंतःकक्षक संकुल क्यों बना रहा है, दूसरा वाला बाह्यकक्षक संकुल क्यों बना रहा है, या तो ऐसे कहेगा कि दोनों का संकरण D2SP3 है या समान है, परंतु एक अनचुंबकीय है और एक पर्थचुंबकीय है, तो भी उसके लिए हम इसी की व्याख्या करेंगे और ऐसे आप बना लेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगला देख लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका FE है और CN का बेहतरीन एग्जाम्पल लेके आए हैं, तो FE है और यहाँ पर हमने ले लिया है CN का होल 6। FE है और क्या है आपका? CN का होल 6 है और यहाँ पर हमारे पास क्या है? 4-1। क्या है? 4-1, ठीक। अब इसका हमें क्या बताना है कि इसका संकुल क्या होगा, संकुल का प्रकार क्या होगा, संकरण क्या होगा, ये सब हम देखेंगे और संरचना क्या होगी यानी ज्यामितीय व्यवस्था क्या होगी। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो संयुक्ता बंध सिद्धांत के आधार पर इसमें हम बंधों की प्रकृति के बारे में देखेंगे। चलिए अब पहला बात क्या है कि इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन हो गया भाई? FE हो गया। अब FE का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक होता है 26। इसको लिखोगे तो आप क्या लिखोगे भाई? आर्गन लिखोगे, आर्गन कितना होता है? 18। ये हो गया। उसके बाद 4S लिखोगे और 3D लिखो। तो मैंने कहा था कि जो अपवाद वाले हैं उसको छोड़ दो, अन्यथा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बनाना है तो सिंपल है क्या कि भाई ये 2 जो है ना उसको आप S में डाल दो और ये 6 जो है ना उसे D में डाल दो, काम खत्म। बात है इसमें? या तो ऐसे समझो 4S2 हो जाएगा और 3D6 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक। अगर आपको नहीं आ रहा तो ऐसे याद रखिए, काम हो जाएगा। अब कह रहा है कि भाई यहाँ पर FE है, अब इसका आक्सीकरण संख्या निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा भाई? आक्सीकरण संख्या। कैसे निकालोगे? तो कहा गया मान लीजिए FE की आक्सीकरण संख्या X है, X हो गया, और CN की संख्या कितनी है? 6, और एक पर कितना माइनस होता है? 1। बराबर क्या लिखोगे? -4, ठीक है। तो X माइनस क्या लिखोगे? 6। बराबर कितना हो गया? -4। तो X बराबर क्या हो जाएगा? 6 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा? +2।
तो यहां पर अगर देखोगे तो Fe की जो आक्सीकरण संख्या है वो कितना है भाई, दो है, तो यहां पर हम लिखेंगे दो। अच्छा, अब जब दो लिखोगे तो इसका इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, कितना, दो निकल जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 24, 24 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो इसको लिखेंगे 4s2, सॉरी यह होगा आर्गन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन भाई निकलेगा कहाँ से, तो मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो तो भाई यस से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, यस से, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यस से जब निकल गया तो बचा कौन, 3d6, तो यह हो गया 3d6 और 4s क्या हो गया, जीरो। पता है इसमें ये दो इलेक्ट्रॉन, दो प्लस है मतलब दो इलेक्ट्रॉन हमको निकालने का है, क्या करोगे, दो इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे। तो ये भाई साहब देखो यहाँ दुई प्लस है तो ये दुई प्लस को निकाल लो, तो ये यानी वो कहाँ से निकला, यस से, तो ये जीरो, तो बचा कितना 3d6, तो ये लिख लिए काम खत्म। अब क्या लिखोगे, 4p लिखोगे, तो 4p क्या हो गया आपका, जीरो, बस में है, चलो ठीक है। अब बात करते हैं इसका आर्बिटल बना करके, तो यफ ही जो होगा वो आपका अगर 2+ में है, और अभी हम बात करेंगे कि फ्री स्टेट में है, यानी मुक्त अवस्था में है, ये मुक्त अवस्था मतलब फ्री स्टेट, यानी ये बंद नहीं बनाया, बॉन्ड नहीं बनाया हुआ। अच्छा बराबर, अब देखेंगे तो इसमें जो आएगा तो 3d बनाएंगे, क्या बनाएंगे, 3d, तो d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो कहेंगे 5, तो यहाँ 5 बना लेंगे, तो ये तो भाई 3d हो गया, चलो ठीक। उसके बाद क्या, तो कहेंगे 4s भी बना लेते हैं, चलो ठीक है, ये हो गया 4s, ठीक। उसके बाद क्या, तो कह रहा 4p भी बना लेते हैं, चलो वो भी बना लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो पी में कितने होते हैं, तो कहेंगे 3, तो यहाँ हो गया 3 ऑर्बिटल बना लिए, चलो ठीक। अच्छा अब क्या करना है, कह रहा इलेक्ट्रॉनों का वितरण कर लो, क्या कर लो, इलेक्ट्रॉनों का वितरण कर लो, इलेक्ट्रॉन कौन है, तो कितना है, तो देखो 3d में 6 है, तो इसी 6 इलेक्ट्रॉनों का हमें वितरण करना होगा। कहेंगे कहाँ करना होगा, तो हम कहेंगे इसी डी में, तो यहाँ 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, तो ऐसे भर लिए, चलो ठीक है, मैंने भर लिया। लेकिन अब जब ये तो मुक्त अवस्था की बात है, जब ये संकुल का निर्माण करेगा तो देखो यहाँ पर लिगेंड कौन है, CN, लिगेंड कौन है, CN। मैंने क्या कहा, दो लिगेंड को आप खाली याद रखिए, CN माइनस याद रखिए और ये CO याद रखिए, ये दोनों क्या कहा गया, ये भाई साहब परबल वाले हैं, क्या हैं, परबल वाले हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देंगे, युग्मन कर देंगे, जोड़ा बना देंगे, यानी हुंड के नियम का पालन नहीं कहेंगे, कहेंगे हुंड बाबा तुम साइड रहो, हुंड बाबा तुम साइड रहो, तो हुंड बाबा को साइड कर देंगे और ये अपना काम करेंगे। देखो यहाँ पर ये फी हो गया और CN का क्या हो जाएगा, होल 6 और यहाँ पर 4-, इसमें अगर देखेंगे तो जो डी ऑर्बिटल होगा उसको आप ऐसे बना लोगे, ठीक है, कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 5 ये बनेंगे, और यहाँ हो गया आपका ये हो गया यस, यस तो कुछ ज़्यादा बड़ा बन गया, आप अपने अनुसार छोटा बना लेंगे, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा, है ना, यहाँ पर हो गया ये, ठीक है। अच्छा अब क्या करना होगा, एक सिंपल सी बात है, क्या कह रहा, यही जो 6 इलेक्ट्रॉन ऊपर लिखे थे ना, इसी का जोड़ा बना बना के लिखो, दो दो इलेक्ट्रॉन, हम हुंड बाबा को नहीं मानेंगे, तो हुंड बाबा को छोड़ो, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, काम खत्म, 6 हो गए ना। तो जब 6 हो गया तब यहाँ काम चालू होता, क्या कह रहा, अब आएगा भाई साहब लिगेंड, क्या आएगा, लिगेंड, लिगेंड क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक यहाँ पर एक 2 इलेक्ट्रॉन देगा एक लिगेंड, तो बनाएगा CN, एक यहाँ दे देगा मतलब एक बॉन्ड यहाँ बना लेगा, उसके बाद भाई साहब यहाँ दे देगा, यहाँ बना लेगा एक CN, 2 इलेक्ट्रॉन देगा ना, लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं, कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 हो गया, यहाँ हो गया भाई 2, कुल 6 बनाने हैं, कितने CN हैं, 6, तो 6 बना लीजिए, ये हो गया आपका CN और ये हो गया CN, बस तो सिंपल सही है, कोई कठिन थोड़ी ना है। अब क्या करना है, इसी को घेर लो, इनको बता दो भाई का का हुआ, तो कह है यहाँ देखो यस का जो था, क्या था, यस का जो था वो तो 2 ऑर्बिटल, सॉरी डी का 2 ऑर्बिटल बंद बना लिया ये वाला,
एस का एक ऑर्बिटल बंद बना लिया, पी का तीन ऑर्बिटल बंद बना लिए, है ना। तो उप संयोजक बंध में कौन कौन भाग ले लिया, तो कहेंगे डी का दो ऑर्बिटल, है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी शिवम मिश्रा, और सब ठीक है आप लोग। चलिए तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसका जो संकरण होगा यानी हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर डी जो है आपका दो है, तो इसलिए डी टू लिखोगे और एक यस ली लिए हो तो यस पी हुआ, यस हुआ, और थ्री पी लिए हो तो डी टू क्या हो गया, यस पी थ्री हो गया। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ना वो क्या हो गया भाई, डी टू एस पी थ्री हो गया। क्या हो गया, डी टू एस पी थ्री हो गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ, अब ये हमने देख लिया। अच्छा अब जब भी हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण जब यस डी टू एस पी थ्री आता है तो उसकी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट यानी ज्यामितीय व्यवस्था क्या होती है, तो कहेंगे अष्टफलकीय यानी ऑक्टाहेड्रल होगा। तो यहाँ पर इसके बारे में अगर आपको लिखना है तो क्या लिखोगे, तो हम ये लिखेंगे कि भाई इसका संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो इसका संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो तो भाई डी टू एस पी थ्री हो गया, चलो ठीक। उसके बाद क्या, तो कहेंगे अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन संकरण पता चल गया कि डी टू एस पी थ्री है तो इसकी जो ज्यामितीय व्यवस्था होगी, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, तो ये कहेंगे भाई अष्टफलकीय होगी यानी ऑक्टाहेड्रल होगा। क्या होगी, अष्टफलकीय यानी ऑक्टाहेड्रल। बात आया समय, तो कहेंगे अच्छा ठीक है अष्टफलकीय होगी ऑक्टाहेड्रल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे क्या, तो आगे कह रहा है कि इसमें हम इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी चुंबकीय गुण को बता सकते हैं। तो चुंबकीय गुण बताइए कितना होगा, क्या होगा, तो चुंबकीय यानी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है ना वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सब जोड़ा बना लिए हैं, पेयर हैं यानी युग्म वाला नहीं है, जोड़ा। तो इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, जीरो। कोई युग्मित है नहीं, सॉरी कोई आयुग्मित है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है नहीं, सभी क्या हैं, जोड़ा बनाए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो है आपका प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। क्लियर हुआ, अच्छा ये हो गया हमारे बारे में, ठीक है ये हो गया हमारा, चलिए ठीक है। अच्छा अब ये पूछेगा कि ये कॉम्प्लेक्स का टाइप बता दो, कौन सा संकुल है, मतलब अंतः है या बाह्य है, यानी इनर कॉम्प्लेक्स है या आउटर कॉम्प्लेक्स है। तो संकुल यानी कॉम्प्लेक्स का जो टाइप होगा वो क्या हो जाएगा, तो देखो मैंने कहा था कि अगर d2 ऑर्बिटल भाग ले रहा है ना, d अंदर वाला यानी 3d, तो हम इसे कहते हैं अंतः कक्षक संकुल यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये बनाएगा आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी अंतः कक्षक संकुल। क्लियर हुआ, अब इसकी संरचना अगर बनाना है, हाँ जी डायमैग्नेटिक हो जाएगा सीएम, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखिए एफ ई है हमारे पास और आप सी एन लगा लो, क्या लगा लोगे, सी एन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे इसकी स्ट्रक्चर बना लेंगे, ऐसे देखो ऐसे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक सी एन, यहाँ पर एक सी एन, यहाँ पर एक सी एन। अब ध्यान में रखेंगे सी और फिर एन लिखना होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक सी एन और यहाँ पर हो गया आपका सी एन। तो ये स्ट्रक्चर हो गया और इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर देंगे और हाई चार्ज जो है इस पर ना टू माइनस है, फोर माइनस है, तो ये हो जाएगा फोर माइनस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा एग्जाम्पल। चलिए एक और देखते हैं, दो और एग्जाम्पल देखा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार ये आता है, ठीक है। चलिए यानी अब तीसरा वाला एग्जाम्पल अगर देखें तो यहाँ पर जो तीसरा हमें समझना है वो हमारे पास है CO है, ठीक है CO है और NH3 है और होल सिक्स है और यहाँ पर हमारे पास है थ्री प्लस, क्या है भाई थ्री प्लस, ऐसा दिए CO है NH3 का होल सिक्स है और क्या है भाई थ्री प्लस। अब इसमें हमें बॉन्डिंग समझानी है,
तो कैसे समझेंगे? देखो पहली बात, एक चीज़ और नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं मतलब आपको डिस्कस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो ये क्या है, नोट करके जरूर लिख लेंगे कहीं कि अगर CO है ना, यदि अगर बात करें CO3+ ऑक्स, यानी कोबाल्ट जो है, अगर वो CO3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीकरण संख्या में है, CO क्या है 3+ में है, तो यह इलेक्ट्रॉनों का, तो यह सभी लिगेंडों के साथ, यानी जितने भी लिगेंड होंगे सभी लिगेंडों के साथ, लिगेंडों के साथ, ये जरूर नोट कर लेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मतलब कंसेप्ट है या पॉइंट है। तो सभी लिगेंडों के साथ क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करता है, या कहेंगे सभी लिगेंडों के साथ निम्न चक्रण दिखाता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेगा, निम्न चक्रण दर्शाता है, ये बात जरूर ध्यान में रखेंगे, निम्न चक्रण दर्शाता है, बात है इसमें, ये बात ध्यान में रखेंगे। किसको छोड़ करके, तो कहेंगे हैलोजन, यानी एक्स अगर है, यानी क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, है ना, वैसे तो फ्लोरीन की बात ही नहीं करते हैं, यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अगर है, तथा और एस सी एन है माइनस, इसके साथ क्या करेगा, यह उच्च चक्रण दिखाएगा, यानी हुंड के नियम का ये पालन करेगा, उच्च चक्रण यानी हाई स्पिन, क्या दिखाएगा भाई, हाई स्पिन शो करेगा, उच्च चक्रण दर्शाता है, बताया इसमें, क्या दिखाएगा भाई, उच्च चक्रण दर्शाएगा, ये बात ध्यान में रखेंगे। चलिए अब यहां पर आता है, अब चलते हैं इसका कोबाल्ट का, देखो तो कोबाल्ट का पहले सामान्य यानी जनरल कोबाल्ट का क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है ना, तो इसका एटॉमिक नंबर प्रमाण क्रमांक कितना होता है, कितना होता है 27, तो ये इसको लिखोगे 27। अब लिखोगे क्या, आर्गन, चलो आर्गन लिख लिया, 18 होता है। उसके बाद क्या लिखा, मैंने कहा था कि 21 से 30 तक के लिए क्या लिखो, 4s और 3d सबके लिए लिख लो, बस यहाँ जो आता है दो आगे तो इसको यस पे डाल दो, यहाँ पीछे जो भी आता है तो उसको डी पे डाल दो, हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कौन सा बहुत ज़्यादा कठिन है ना। अब इसमें देखोगे तो कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीकरण संख्या है, वो है भाई CO3+, देखिए या तो ऐसे ये ज्ञात कर लीजिए, निकालिए कैसे निकालोगे, तो हम ये कहेंगे कि CO का ऑक्सीडेशन नंबर एक्स है, अमोनिया को तो जानते हैं 0 होता है क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, और गुणे क्या हो गया आपका 6, बराबर क्या हो जाएगा भाई +3, तो एक्स बराबर क्या हो गया भाई +3 हो जाएगा, बात आया समझ नहीं आया, तो इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ देखिए +3 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यह हो जाएगा आपका आर्गन, यहाँ पर हो गया आपका 18। अब देखिए इलेक्ट्रॉन निकलता कहाँ से, तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा भाई एस से, कहाँ से निकलेगा भाई एस से, तो यस से दो इलेक्ट्रॉन निकाल लो और एक डी से निकाल लो, तो बचा क्या 3d में 6, तो बचा 6 हो गया। या मैंने कहा था कि देखो 2 है 27 है इसका एटॉमिक नंबर, तो 2 और +7 जोड़ लो, कितना हो जाएगा 9, कितना होगा 9, तब यहाँ जब 9 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 9 इलेक्ट्रॉन है, अब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो बचा कितना भाई 6 इलेक्ट्रॉन, कितना बच गया 6, और वही 6 को कहाँ डाल दोगे डी में, बात आया समय, तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने की भी जरूरत नहीं है, मतलब माइंड में ही कैलकुलेट कर लो भाई कि हमारे पास 27 है, 7 2 9 जोड़ लो, 7 2 9 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 3 निकल गया, बचा 6, उसको डी में डाल दो, क्लियर हुआ नहीं हुआ, और यहाँ क्या हो गया आपका 4s हुआ, और यहाँ हो गया 0, और क्या हुआ 4p, यहाँ हुआ 0, क्लियर, चलिए चकाचौंध हो गया। अब देखिए यहाँ पर कह रहा कि अगर CO जो है 3+ में है और ये अभी बंध नहीं बनाया है, यानी फ्री स्टेट में है, मुक्त अवस्था में है, तो क्या दिखाओगे, तो कहेंगे d ऑर्बिटल दिखा दो, तो कहेंगे कितना है, तो d ऑर्बिटल होता भाई 5,
तो डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? पांच। तो पांच ऑर्बिटल्स बनाएंगे, एक दो तीन चार, सुनर सा अच्छा सा है ना। तो ये हुआ थ्री डी। उसके बाद क्या करोगे भाई, फोर एस हुआ, उसके बाद क्या बनाने का, यहाँ पे फोर पी बनाने का है। अब यह हो गया आपका फोर पी। पी में कितने होते भाई, यहाँ पर फोर एस हुआ और इसकी बात करोगे तो ये हो गया फोर पी। बोलो आया बस में, चलो ठीक। अब इसमें अगर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन भर दो, तो कह रहा है यहाँ पर एक होगा, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया और यहाँ हो गया छः। चलो ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अच्छा अगला कह रहा है कि भाई अब जब हम उसको कॉम्प्लेक्स बन रहा है, संकुल बन रहा है, तब क्या हो रहा है? तो कह रहा है इसके लिए हम सी ओ लिखें, क्या लिखें? सी ओ, और यहाँ पर क्या होगा, एन एस थ्री लिखें और इसको लिखो होल सिक्स। क्या लिखें? होल सिक्स, और यहाँ हो गया भाई थ्री प्लस। सिंपल सा है ना। चलिए अब क्या करना होगा, तो अब यहाँ पर ये ध्यान में रखना होगा कि सी ओ जो है अगर वो थ्री प्लस ऑक्सीकरण संख्या में कहीं भी हो, दुनिया में हो भाई साहब, जहन्नुम में हो, बस ये ध्यान में रखो कि सी ओ अगर थ्री प्लस में है तो वो निम्न चक्रण करेगा, यानी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेगा, जोड़ा बनाएगा, बात खत्म है ना। बस सिंपल सा बात है। तो यहाँ पर हो गया, अब ये युग्मन करेगा तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? कह रहा छः। कह रहा अच्छा हुंड बाबा, हम तुमको हम नहीं मानेंगे, हम क्या करेंगे अपने अनुसार चलेंगे। कह रहा कैसे? कह रहा भाई हम दो दो इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तुम एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भर रहे थे, नहीं अब हम दो दो इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो यहाँ पर हम दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो यहाँ, छः हो गए कि नहीं हो गए, बात खत्म। कह रहा तब आगे बढ़ो, यहाँ पर फोर एस खाली था और कह रहा फोर पी है खाली, बात आया समझ नहीं आया? तो ये हो गया। अब कह रहा अब कह रहा बॉन्डिंग दिखाओ, और क्या करना भाई, जब नहीं बात मानोगे तो बॉन्डिंग दिखा लो। तो कह रहा तब, तो कह रहा देखो यहाँ एन एस थ्री है ना, एन एस थ्री कितने हैं भाई, छः। कह रहा हमको छः आर्बिटल चाहिए। एन एस थ्री क्या कह रहा, सीना पीट पीट के चिल्ला रहा है कि भाई हम छः बंद बनाएंगे, कितना, छः बॉन्ड बनाएंगे, तो हमको छः दे दो। तो कह रहा कौन, केंद्रीय धातु प्रमाण यानी सेंट्रल मेटल एटम। कह रहा ले लो भैया, सीना मत पीटो। तो यहाँ पर क्या करता है, जो एन एस थ्री है ना वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, एक एन एस थ्री यहाँ आएगा, दो इलेक्ट्रॉन दे देगा। कहता लो भैया यहाँ देखो, एक और ऑर्बिटल दे दिया, एन एस थ्री बंद बना लिया। डी यहाँ पर एक बंद बन गया, एन एस थ्री एक यहाँ बन गया, छः बनाने हैं तो खटाखट भरते हुए चले जाओ, क्या दिक्कत है यार, ऐसा उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बात आया इसमें। देखो एन एस थ्री हो गया ठीक, अब ये हो गया। अब कह रहा अच्छा अच्छा अच्छा, अब इसका हम संकरण बता दें। तो कह रहा यहाँ पर ऐसे घेर लो। कह रहा कौन सा, ये तो डी हुआ, क्या हो गया ये डी हो गया ये। तो यहाँ पर हम डी भरते हैं, ऐसे डी हो गया कि नहीं हो गया, यानी अगर हम देखें तो हमारा कौन कौन सा ऑर्बिटल बंद बनाया, ये दो डी वाले, देखो कितना सुंदर सा चमक रहा है, देखो ये कि यहाँ से यस वाला, और तीन पी वाले, बात आया समझ नहीं आया? तो यही है आपका, तो इसका जो संकरण हो गया वो क्या हो गया, तो हम कहेंगे इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हो जाएगा डी टू और एस पी थ्री। क्या हो जाएगा? डी टू एस पी थ्री हो जाएगा, सिंपल सी बात है, बात आई समय? चलिए ठीक है, ये हमने देख लिया। अब भाई इसके बारे में अगर हमें लिखना है तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो सिंपल सा इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हम इसके बारे में क्या क्या लिख सकते हैं, है ना, इतना काम हो गया। अरे सिंपल है भाई, घुमाओ बस इधर उधर, हो गया काम। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि इसका संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो कह रहा कि कौन कौन सा ऑर्बिटल बंद बनाया, तो कह रहा भाई डी ऑर्बिटल, कितना, कह रहा दो, तो डी टू एस पी थ्री हो गया हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। उसके बाद कह रहा है, कह रहा अच्छा इसकी ज्यामितीय व्यवस्था यानी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट बताइए, तो ज्यामितीय व्यवस्था या इसी को हम संरचना कह सकते हैं, तो ज्यामितीय जो व्यवस्था है उसकी संरचना दोनों एक ही होगी, यानी हम कहेंगे अष्टफलकीय है। क्या है? अष्टफलकीय यानी ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। अच्छा उसके बाद कह रहा तब, कह रहा चुंबकीय गुण बता दो,
चुंबकीय गुण यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो चुंबकीय गुण जो होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा, वो कैसे समझेंगे भाई? तो इसमें देखो, इसमें आयुगमित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो कह रहा है इसमें तो कोना है, सब जीरो है। तो कह रहा तब, तो कह रहा है ये तो प्रतिचुंबकीय है, डायमैग्नेटिक है। कैसा? ये डायमैग्नेटिक है। यानी जब भी किसी भी संकुल में जब इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दोगे और इलेक्ट्रॉन आयुगमित इलेक्ट्रॉन यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर जीरो होगा तो हम कहेंगे प्रतिचुंबकीय होगा यानी डायमैग्नेटिक होगा। बात क्लियर हुआ? चलिए अच्छा, अब ये पूछेगा कि भाई संकुल का प्रकार बता दो, कौन सा संकुल का प्रकार होगा? तो संकुल का जो प्रकार होगा वो हो जाएगा आपका, कौन सा ऑर्बिटल भाग लिया? तो कहेंगे डी वाला। तो इसलिए इसको कहोगे डी टू एस पी थ्री, क्या हो जाएगा? सॉरी, तो कह रहा थ्री डी भाग लिया ना, डी टू एस पी थ्री है तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अब इसे कहेंगे इनर कॉम्प्लेक्स, क्या बोलोगे इसे? संकुल का जो प्रकार होगा, वेरी गुड, इनर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना, यानी अंतःकक्षक संकुल होंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अंतःकक्षक संकुल। क्यों? क्योंकि ये 3d है यानी अंदर वाला डी ऑर्बिटल भाग लिया है। अब देखो कैसे समझोगे, तो कह रहा है ये तो है भाई 3d, उसके बाहर है आपका 4s 4p, तो d कौन सा? अंदर वाला। हाँ, अगर 4d बाहर वाला भाग लेता ठीक है यार, आपका बाह्य संकुल हो जाएगा और क्या। तो इसलिए इसे कहेंगे अंतःकक्षक संकुल। बोलो आया वास में? बस इतना लिखना है। स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हो, क्या है आपका? CO है। कितने लिगेंड है? कह रहा है 6, तो 6 बंद बना दो, सुंदर सा ऐसा, है ना। अब देखो उसके बाद क्या लाओगे, ANH3 ऐसे बनाओगे, यहाँ NH3 बना दोगे, यहाँ पर NH3 बना दोगे, NH3 यहाँ बना दोगे, यहाँ NH3 बनाओगे और यहाँ NH3 बनाओगे, बात खत्म। और ऐसे 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 थोड़ा सा घेर उड़ देंगे ताकि सुंदर लगे, है ना, है ना, ऐसे हो जाएगा। अब इस पर क्या करोगे, ऐसे बॉक्स बंद कर लो और इस पर जो 3+ है उसके ऊपर लगा लो, हो गया काम खत्म, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, एक और इससे संबंधित चलिए, अगर आपको आ रहा है तो इसको फटाक से निकाल के बताइए। जैसे CO है और ये NCERT में पूरा मिलेगा, जितना मैंने एग्जांपल कराया हुआ आपको NCERT में पूरा मिलेगा, है ना, और NCERT से ही मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, है ना। CO है और EF6 है और उसके बाद आपका आ गया यहाँ पर 3- संकुल आ गया, है ना, कॉम्प्लेक्स है ये, संकुल बोले तो कॉम्प्लेक्स है। अब इसके बारे में हमें पूरा डिटेल में बताना है, ये शायद आई थिंक 6वां होगा, ठीक है। चलो करना क्या है भाई, अगर आपको पता है तो आप फटाफट निकाल के बताइए, कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर देखते हैं तो हमारे पास क्या है, कोबाल्ट। तो पहले हम कोबाल्ट का क्या करते हैं, पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक 27। आर्गन लिखोगे, लिख लिए, मैंने क्या कहा कि आपका 4s है, लिख लिए, 3d लिख लिए, हो गया। अब देखो यहाँ 2 है, हाई एस पे डाल दो, ये 7 है, हाई डी पे लगा दो, काम खत्म, है ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। अब देखो यहाँ पर CO का, अब थी आप देखिए, अब यहाँ कोबाल्ट का हमें आक्सीकरण संख्या निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे? माना सपोज दैट यहाँ पे बात करेंगे CO की आक्सीकरण संख्या क्या है, x है, F कितना है फ्लोरीन, कह रहा है 6 है, लेकिन एक पर कितना माइनस होता है, तो आप जानते हैं फ्लोरीन पर माइनस 1 होता है, जब से हम जिंदगी में मतलब क्या होगा केमिस्ट्री पढ़ना चालू किए तब से हमें यही बताया जा रहा है कि F पर 1 माइनस होता है, तो माइनस 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, बदलेगा नहीं। अच्छा अब यहाँ पर अगर आपको पता है तो ये बताइए कौन सा, किस यौगिक में कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें फ्लोरीन पर प्लस होता है, बताइए कोई ऐसा कंपाउंड बताइए जिसमें फ्लोरीन क्या होता है, प्लस में होता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए। चलिए तो देखिए यहाँ पर ये हो गया ना, अब बराबर लिखोगे, यहाँ मैं ऊपर लिख दिया, जो बराबर -3, तो क्या हो जाएगा एक्स। देखिए पहले क्या करना है, CO की आक्सीकरण संख्या लिखना है, माना एक्स, एफ ई संख्या है 6, एक पर 1 माइनस होता है, लिख लीजिए, जो भी संकुल पर बराबर यानी ऊपर आता है उसे बराबर के उस तरफ लिखा जाता है, किस तरफ लिखा जाता है, बराबर के उस तरफ लिखा जाता है, है ना। चलिए उसको लिखना है, लिख लिए।
अब यहाँ पर देखेंगे तो ये हो गया माइनस छः बराबर माइनस तीन, तो ये एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, छः माइनस तीन हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करोगे तो प्लस तीन आ गया, यानी कोबाल्ट पर जो ऑक्सीकरण संख्या है COF6 में वो क्या है आपका 3+, तो इसलिए हम 3+ का ऑक्सीकरण संख्या बनाएंगे, है ना। अब यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे भाई, 27, कितने थे 27 था, है ना। अब तीन निकल गया, कितना बचा 24 इलेक्ट्रॉन, तो 4 2 6 हो गया, तो ऐसे लिखेंगे। देखो 24 इलेक्ट्रॉन बचा, दोनों को जोड़ लो, 4 और 2, देखो 24 है ना, तो 2 और 4 जोड़ लो, 6 हो गया, उसी को डी में लिख दो, काम खत्म यार, क्या टेंशन लेने का इतना ज़्यादा। उसके बाद क्या लिखोगे 4s, और क्या लिखोगे 4p। हाँ अगर कोई पूछेगा भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाले, तो ये कह देंगे कि भाई पहले 4s से निकलेगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एक डी से निकल जाएगा, तो एस में हो गया 0 और डी में हो गया 6, क्लियर हुआ, और पी में हम लिखेंगे 0, चलो ठीक। अब हमें आर्बिटल दिखाना होगा CO3+ वाला, और ये दिखाएंगे हम कि ये जब मुक्त अवस्था में था, यानी फ्री स्टेट में था, यानी जब ये बॉन्ड नहीं बनाया था, बंध नहीं बनाया था, तब की बात चल रही है। हाँ जी शिवम मिश्रा कह रहे हैं, हाँ सही है, वेरी गुड। HOF ऐसा कंपाउंड है जिसमें फ्लोरीन पर प्लस आता है, नहीं तो और कहीं नहीं होता है, इसको समझ सकते हैं, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शाबाश, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पर CO3+ मुक्त अवस्था में है, ठीक है, अब इसी को हमें देखना है। तो क्या करोगे, आर्बिटल बनाओगे फटाफट। अब देखो फटाफट आप आर्बिटल मुझसे भी तेज बना सकते हो, है ना, क्योंकि आपका स्पीड मुझसे तेज होगा, है ना। देखो यहाँ हो गया 3d, और क्या करोगे यहाँ पर 4s होगा, है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4p, और p में कितने हैं भाई, तो यहाँ पर p में 3 ऑर्बिटल है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 4p। अब इलेक्ट्रॉन भरना है, तो यहाँ पर पहले हुंड के बाबा के अनुसार, चलो हुंड बोलते हैं भाई एक एक इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे, तो भर लो क्या दिक्कत है, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने 5 भरा और ये हो गया आपका 6। अब एक बात ध्यान में रखेंगे, तो लिखेंगे कि CO3+, है ना, मैंने क्या कहा था अभी अभी मैंने नोट करके लिखवाया था एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट, कि फ्लोरीन जो CO है अगर वो कहीं भी 3+ में है, किस में है, 3+ में है, तो वो जो होगा वो क्या दिखाएगा भाई, वो निम्न चक्रण यानी इलेक्ट्रॉनों का वो युग्मन करेगा, ये हमने मैंने बताया था। लेकिन यहाँ बताया था कि कुछ अपवाद, जैसे हैलोजन को छोड़ करके, यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के अगर साथ आ गया तो वो निम्न चक्रण नहीं दिखाएगा, यानी वो हुंड के नियम का पालन करेगा, ये बात जरूर जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको किसी बुक में ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये आपको याद रखना होगा, बताया इसमें। अब क्यों होता है उसके लिए हम अगली थ्योरी में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका अपवाद है, ये थ्योरी नहीं बताया था क्यों होता है, बस इतना ध्यान में रखेंगे। चलिए तो यहाँ पर अब क्या करना है हमें, अब देखना है कि CO है, तो लिख लेंगे यहाँ पर क्या, चूँकि CO3+ फ्लोरीन के साथ F- के साथ निम्न उच्च चक्रण दर्शाता है, क्या दिखाता है, उच्च चक्रण, यानी इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा नहीं बनाएगा, हुंड के नियम का पालन करेगा, उच्च चक्रण दर्शाता है, या तो ऐसे ले सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनों का युग्मन यानी जोड़ा नहीं बनाता है, पेयरिंग नहीं करता है, अतः ठीक है, अतः अब फिर से दिखाएंगे कि CO जो होगा आपका, अब कॉम्प्लेक्स वाला दिखाएंगे, संकुल वाला, है ना, तो संकुल दिखाओगे तो यहाँ हो गया आपका F6 और यहाँ हो गया आपका 3-, इसका दिखाना है तो दिखा दो भाई, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे कि हमारे पास जो है डी आर्बिटल है, और इसमें कुल मिला करके डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, है ना, डी में कितने होते हैं, पैरामैग्नेटिक, वेरी गुड। अब इसमें जो है कह रहा भाई CO मैं 3+ हूँ, मैं पेयरिंग करता हूँ, जोड़ा बनाता हूँ, लेकिन हैलोजन आ गया ना, हम नहीं कर पाएंगे हैलोजन के साथ, ऐसा नहीं हो पाएगा, यानी हम जोड़ा नहीं बना पाएंगे, तब कह रहा अकेले अकेले रहो, सिंगल रहो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, यानी ये क्या करेगा, सिंगल से नहीं, हुंड के नियम का ये पालन करेगा। चलो अब कह रहा है कि ये हो गया हमारा 4s, अब क्या हो गया आपका 4p, तब
तब ये कह रहा है कि अच्छा लिगेंड कितना है, देखो यहाँ पर छः यफ ही है, यफ है। अब इसका मतलब है यहाँ पैरामैग्नेटिक, वेरी गुड, शिवम कह रहे हैं पैरामैग्नेटिक है, चलो ठीक है पैरामैग्नेटिक है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर फ्लोरीन आ गया ना, अब फ्लोरीन क्या कह रहा है, फ्लोरीन कह रहा है हम तो भैया छः हैं, हमको छः आर्बिटल चाहिए। अब वो लोट लोट के चिल्लाएगा कि हमको छः आर्बिटल चाहिए, छः आर्बिटल मतलब छः घर चाहिए। अब ये कह रहा है कि हमारे पास तो एक यस था फोर यस वाला और एक फोर पी था, चलो ठीक है, लेकिन कुल मिला के हमारे पास चार आर्बिटल पूर्णतः खाली हैं। कह रहा तब कह रहा है भैया, फ्लोरीन कह रहा भैया छुपा क्यों रहे हो, आपके पास फोर डी भी तो है, उसको भी ले लो। तो अब यहाँ हम क्या बनाएंगे, 4D वाला भी बना देंगे, बात आया समय। तो 4D हमने इसमें बना दिया, आया बस में, यहाँ भी ऐसे उतार लो 4D। कोई डाउट अगर हो तो बताएंगे, कमेंट करेंगे, धुआंधार बल्लेबाजी करो, 100% आपका परफॉर्मेंस होना चाहिए। एग्जाम में जाओ तो इधर ना धुधुला दिखे, एक क्लियर दिखना चाहिए SD4K में कि हाँ भाई यही क्वेश्चन है। अब कहेगा यहाँ आ गया फ्लोरीन, अब यहाँ दो इलेक्ट्रॉन दे देगा, फ्लोरीन तो खुश हो गया कि भाई हमको आर्बिटल पूरा बहुत ज़्यादा मिल गया, तो एक फ्लोरीन यहाँ भर लो, एक फ्लोरीन यहाँ इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये खुश हो गया एकदम। फ्लोरीन क्या है, बहुत ही खुश हो गया बेचारा, है ना, जैसे ही रिक्त आर्बिटल पाया। देखो यहाँ पर देखो ये खुश हो गया, देखो मुँह कैसे बना हुआ इसका फ्लोरीन, और ये भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, और यहाँ हो गया। तो कितने आर्बिटल बनाए भाई, छः। तो यहाँ पर एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, छः हुआ। अच्छा अब आर्बिटल कौन कौन सा आर्बिटल बंध बनाया, बॉन्ड बनाया, तो वो लिख लेना होगा सिंपल सा। देखो अब ये जो हुआ, अब इसका संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर हमने एक यस ले लिया, पी कितना लिया, तीन, तो यस पी हो गया थ्री, और D कितना हो गया, दो, तो हो गया sp3d2 हो गया। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था भाई d2sp3, अब क्या आ गया sp3d2 आ गया, क्या आ गया sp3d2 आ गया, बात आया समय, बोलो आया हो तो लाइक वाइक करो भाई, सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो कर लो यार, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब इसके बारे में हमें लिखना क्या होगा, तो चलो पहले लिखेंगे हम इसका हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। तो भाई हाइब्रिडाइजेशन संकरण क्या हुआ, तो हम कहे ये तो हुआ sp3d2, चलो ठीक। अच्छा अब क्या, तो कह रहा है ज्यामितीय व्यवस्था यानी ज्यामेट्रिकल अरेंजमेंट बता दो। तो ज्यामेट्रिकल जो अरेंजमेंट होता है ज्यामितीय यानी जो शेप कह सकते हो इसको, स्ट्रक्चर, तो जो ज्यामितीय व्यवस्था होती है यानी शेप जो होगा, संरचना जो होगा, वो क्या हो जाएगा। तो कभी भी कह रहा था कि छः है तो भाई ऑक्टाहेड्रल होगा, अष्टफलकीय होगा, जैसा कि शिव मिश्रा ने जो है लिखा हुआ है, ठीक है, अष्टफलकीय हो जाएगा, है ना, यानी ऑक्टाहेड्रल, क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा उसके बाद तो कह रहा है इसका चुंबकीय गुण बताओ यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण बताइए यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, चुंबकीय गुण। तो देखो इसमें आयुगमित इलेक्ट्रॉन है, देखो ऐसे तो कितने हैं, चार हैं, तो इसका चुंबकीय गुण जो होगा यानी आयुगमित जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या होगा, अनचुंबकीय होगा, कैसा हो जाएगा, अनचुंबकीय होगा, चाहे एक ही इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो, चाहे एक ही आयुगमित इलेक्ट्रॉन हो, बता रहा इसमें, चाहे एक ही आयुगमित इलेक्ट्रॉन है वो अनचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक ही होगा, ये बात ध्यान में रखें। अच्छा अब कह रहा है ये भाई संकुल कैसा होगा, कैसा होगा संकुल, तो इसको लिखोगे संकुल, है ना, और यह होगा संकुल का प्रकार। अब मैंने क्या कहा, अब देखो ये 4D है, कौन सा आर्बिटर भाग लिया, 4D यानी बाहर वाला, इसलिए इसे कहेंगे बाह्य कक्षक संकुल, क्या कहेंगे, बाह्य कक्षक यानी आउटर आर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बाह्य कक्षक संकुल, ये क्या है, बाह्य कक्षक संकुल यानी बोलते हैं इसे इंग्लिश में आउटर आर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बोलो आया समय, ये हो गया।
और अन्य चुंबकीय को क्या बोलते हैं? पैरा मैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? पैरा मैग्नेटिक बोलते हैं। अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन होगा यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन के कोई भी है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनचुंबकीय ही होगा, ये बात ध्यान में रखेंगे। आया बस में, चलिए ये हो गया बात आया इसमें। अब संरचना स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो भाई देखो अष्टफलकीय है, ऑक्टाहेड्रल है, सेम टू सेम वैसे बनेगा, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे ऐसे बनाओ और छः बॉन्ड बना लो, ऐसे छः लिगेंड है तो छः बॉन्ड ऐसे बना लो अच्छे से, है ना। अब यहाँ पर ऐसे बना लो, हो गया, फ्लोरीन लगा लो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ एक फ्लोरीन यहाँ लगाओगे, एक फ्लोरीन यहाँ लगाओगे, एक फ्लोरीन यहाँ, तो ऐसे हो गए, बात है इसमें, तो ये हो गया हमारा। अब इसको ऐसे घेर लो भाई साहब को, क्यों? क्योंकि कह रहे हैं हमारे पास थ्री माइनस है, तो थ्री माइनस यहाँ दिखा तो काम हो गया। अब कोई डाउट हो तो बताइए, है ना। तो ये था हमारे पास, ये देख लिया कि जो संयोजकता जो है बंध सिद्धांत था यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था, उसमें आज हमने अष्टफलकीय वाला जितना कंसेप्ट था उसको हमने देख लिया, है ना। देखिए यही है, ये मैंने पूरा इसको लिख दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ड्रॉबैक में जाएंगे, पीछे जाएंगे तो आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर संयोजकता बंध सिद्धांत के अगर बारे में बात करें तो यह संयोजकता बंध सिद्धांत, और इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है लिनियस पॉलिंग ने 1930 में दिया था, 1930 में दिया था। इनका कहने का मतलब था कि भाई जितने लिगेंड होंगे उतना उपसहसंयोजक बंध बनेगा, मिनी कोऑर्डिनेट बंध बनेगा। तो जितना उपसहसंयोजक यानी समन्वय संख्या होगा उतना आर्बिटल उसको चाहिए, किसको? लिगेंड को, ठीक है। तो वो लिगेंड क्या करता है? केंद्रीय धातु परमाणु अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त आर्बिटल उपलब्ध कराता है जो लिगेंड के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है। उसके बाद हमने कहा कि केंद्रीय धातु परमाणु में जो आर्बिटल उपलब्ध कराएगा वह एन माइनस वन डी होगा, एन एस होगा, एन पी होगा, या एन एस, एन पी तथा एन डी होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि मान लो प्रबल लिगेंड है जैसे सी एन है, माइनस है, सी ओ है आदि, तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देंगे, यानी हुंड के नियम का ये पालन नहीं करते हैं। तो दो चीज़ों आप खाली याद रखेंगे, सी एन माइनस और सी ओ। और उसके बाद हमने ये देख लिया कि जिसमें अगर n माइनस वन डी यानी थ्री डी, फोर एस और फोर पी आर्बिटल भाग ले रहे थे, उसे हमने कहा था कि अंतः कच्छक है और ये निम्न चक्रण दिखाता है। और जिसमें हमने देखा कि n एस यानी फोर एस, फोर पी और फोर डी आर्बिटल बंद बनाने में भाग ले रहे हैं, तो उसे कहते थे बाह्य कच्छक संकुल यानी आउटर आर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते थे। उसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए उसे हम उच्च चक्रण संकुल भी कहते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, इसमें कह सकते हैं कि जिस भी संकुल में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसे हम प्रतिचुंबकीय संकुल कहेंगे, है ना। और जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, है ना, जिसमें क्या होगा, युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसे हम प्रतिचुंबकीय संकुल कहेंगे, प्रतिचुंबकीय, है ना। ये हो गया, और ये हमने बताया था, ये हमारे पास कुछ संरचना है, ठीक है। तो ये हमने आज इसको देख लिया है। इसमें अभी कुछ और चीज़ें बाकी हैं, जैसे कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन टाइप के हैं, वो मैंने आज उसका डिस्कशन नहीं कर पाया, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि टाइम एक घंटा बहुत हो गया, ज़्यादा हो गया, तो शायद कुछ लोग बोर हो जाते हैं घंटे से ज़्यादा, है ना। इसलिए कल जो है हम लोग और देखेंगे कौन सा, कि चतुष्फलकीय संरचना कैसे होती है और वर्ग समतलीय संरचना कैसे होती है, और कुछ उसके अपवाद भी हम लोग कल देखेंगे। तो अगर कुछ आपको क्वेरी करना है, कुछ पूछना है, आप कहना चाहते हैं तो आप उसको कह सकते हैं। और जो है आपका लास्ट में 5 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा जिसमें आप अपने बातों को रख सकते हैं, और जो भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो आप बोलिए, और या क्या आप पढ़ना चाहते हैं, है ना। देखिए बीच में मेरा कुछ गैपिंग हो गया था, रीज़न ये है कि देखिए मैं यहाँ पे गोरखपुर में रहता हूँ। अब यहाँ पर होता क्या है कि मान लीजिए कोई रिलेटिव आ गया, कोई इधर उधर बीमार हो जाते हैं, तो कोई हॉस्पिटल में है, कोई है, तो वहाँ पर रिलेटिव आ जाते हैं घर पे। अब जब मैं किराए पे यहाँ रहता हूँ, अब वो आ जाते हैं तो रूम बुक हो जाता है वहाँ पर, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता, है ना। तो अगर टाइम मिलता है वीडियो बनाने के लिए, तो मतलब ये है कि कोशिश तो यही रहती है कि मैं डेली वीडियो बनाऊं, लेकिन कुछ कभी कभी सिचुएशन आ जाता है। लेकिन आपको सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, तो अब डेली आपको 7 से 8 मैं लाइव मिलूँगा, ठीक है।
तो अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया है तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, माँ बाप का ध्यान जरूर रखिए। अगर आपको समझ में आया है तो